बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम जी आयान, वेलकम करते हैं जी थोड़ा अपने चैनल अलीजा सहर ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सब लोग सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, बीमारी तो महफूज रखे, लंबी जिंदगी करे, आमीन सुम आमीन। हाँ जी जी, अज जी थोड़े नाल एक बड़ी ही अच्छी एक चीज़ लेके आए जी, जो कि पुराने दौर में इस्तेमाल की जाती थी। इस बारे सारा थोड़ा तफसील दसागे, थोड़ा दिखावे जी। जो ना बिजली वगैरह का दौर नहीं थी उदों जी, इस तरीके जी आटा पीसया जाता सी जी चक्की से, इनू खरास बोलिया जाता। सारा तफसील दिखाने ये पिछे तुम देख रहे होवोगे कि बैल चल रहे हैं तो चक्की चल रही है। इस तरीके चक्का में गाँव में आटा पीसया जाता सी, अज ऐसे गाँव में मौजूद हाँ जी। तो अज भी ये तरीका जी इस्तेमाल किया जाता वा, खरास के जरिए जी आटा पीसया जाता। तो बिल्कुल उदे ही पीसया जाता जिदा कि आम चक्की से पीसया जाता। बहुत ज़्यादा देखने को अच्छा लगता वा, मेहनत का काम वाले भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। देखो जी बराज क्या चाहता कि बैला बैल चलती है तो जी चक्की है वह चलती है, तो वजह तो जी गलिया आटा पीस हों। पहले जी दौर से उदो चक्किया बिजली वगैरह मौजूद नहीं सी, ये गाँव ऐसा जिते ना बिजली वगैरह का नहीं है सब ताता। हाले अज भी चक्की जी इस तरीके जी खास तरीके जी आटा तो दलिया पीसया जाता, बहुत ही देखने अच्छा लगता। दूरों दूरों जी लोग देखने आते हैं, मुझे चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ जी जी, हुण जी तुहानू दिखाउने आ कि जिहड़ी जिहड़ा खरास दा तरीका इहदे नाल जी चक्की किस तरीके नाल चलदी आ, अंदरों सारा तुहानू खोल के दिखाउने आ। ते अज जी बना रहे आ जी दलिया। आ कढ़ाई विच दाने आउंदे आ, पत्थर थल्ले पैंदा। हाँ जी जी, हाँ जी जी, ये तुम जिदा देख रहे हो ना जिदा हाथ वाली चक्की होंगी है, पत्थर वाली जी चक्की होंगी उस तरीके चक्की बनी हुई है। तो चक्की चलती है, तो फिर जी आटा तो दलिया पीस हों इस तरीके
तो अगर दाने साफ किए हो तो फिर जी आटा पीसया जाएगा, अगर थोड़ा जा मतलब ढिला ढिला हो फिर जी दलिया पीस हो जाएगा, अगर ज़्यादा टाइट हो ना चक्की फिर जी आटा पीस होएगा। इस तरीके नाल जी चक्की नाल आ देखो जी दलिया पीसया गया, दलिया तो मैं दिखाने आ देखो दलिया बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होंदा जानवर वगैरह नूं पोण लई और भी खाण लई इस्तेमाल किया जाता, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता दलिया। तो चक्की नूं पहले साफ सूफ किया जाता, उस तो बाद जी दलिया या आटा फिर पीसया जाता वा। ए जी पत्थर चलता है थले वाली गरारी और वही चकली छोटी गेट दी इधर थले छोटी गरारी नू वही गेट दी ते इहदे नाल पत्थर चलता है और बैल गेट दे हाँ जी जी ए तुसी देख रहे हो जी ए चक्कर जहाँ बने आया वा ए चलता वा चला के दिखा नहीं नहीं गिरना नहीं चलता बड़ा ये नहीं चलता मेरे को है। तो यह जो घूमती है ना भंभीरी जी बनी हुई है जो घूमती तो फिर चक्की चलती है, तो काफ़ी हिम्मत जोर चाहिए तो दो बैल रल के तो फिर चला भी जाने वाले हो तो माड़े मोटे नहीं चला सकते। लकड़ी आ लकड़ी भी काफ़ी पुरानी है तो अजकल लकड़ियाँ भी कम शम कोई नहीं दिंदियाँ है तो आ सारा देखो जी किस तरीके नाल जी सिस्टम बनाया हुआ वा, आ मिट्टी नाल इतों लिपया हुआ वा, इस तरीके नाल चक्की विच फिक्स किया हुआ वा, आ बैलों इतने बनिया जाता भी थानू दिखाने आ देखो इतने जी बैलों बनिया जाता वा, दो पैलान कट्ठे बनिया जाता भी भारी लगता भी नहीं चक्की जाती। आ देखो आ बिल्कुल देख रहे होंगे कि आ देखो लोया वगैरह पैप शैपा संगल जड़ा काफ़ी पुराना संघ लग्या पिया, काफ़ी पुराने दौर का जी ये है खरास का जो तरीका इस तरीके आटा तो दलिया पीसया जाता वा, तो बहुत दूरों दूरों लोग भी देख आते जड़ियाँ चीज़ा इदा दी बहुत ही नायाब आ अजक कि देखने को मिल दियाँ, तो मैं दे मैं पहली दफ़ा देखा तो मैं देख बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग्या। हाँ जी जी आई देख रहे हो आ चक्की उपर जी आ रखा जाता वा ये वाहवा भारा वा पुराना बनया हो अजक कोई भी आम शाम आ देखो जी ए दाने पैंते आइस आइस जिदा जिदा पीस होंगे जाते नीचे चले जाते हैं, तो आ उपर दिता हुआ हों उस तो बाद इस तरीके कवर किया जाता बनाया जाता है। ये कि पुरानी बनी हुई है ਏ ਜੀ ਸਨ 1987 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਈ ਕਿਨੇ ਸੀ ਚੱਕੀ ਮਿਸ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਸੀ ਆਪ ਲਵਾਈ ਸੀ 1997 ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 87 87 ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਉਟਾ ਪੀਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਬੈਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਆਟਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਟਾ ਪਸਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੇ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਲਾਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਲਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 10 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਦਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪ ਦੇਣਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ दो हजार पच्ची सौ ही बड़े
हाँ जी जी आ तुसी देख रहे हो ना पिछे दो बैल आ इन्हां दी उम्र जी तकरीबन 4 साल आ, इहदी 4 साल आ, दूसरा जिहड़ा बैल आ उहदी 6 साल आ। ते इह जी खाण लई इन्हां नूं स्पैशल खाणा छाणा इन्हां नूं खिलाया जांदा, दौड़ लई इस्तेमाल कीते जांदे आ। जिहड़ा खरास दा तरीका जिहड़ा तुहानूं दिखाया वा, चक्की आटा जिहड़ा पीसिया जांदा उहदे लई इस्तेमाल कीता जांदा, होर इस तों इलावा दौड़ लई खरास लई ते पट्ठे कुतरे जांदे उहदे लई इस्तेमाल कीता जांदा। इस तरीके नाल जी होर हलां लई इस्तेमाल कीता जांदा इन्हां बैलां नूं। ते इन्हां दी खुराक आ जी देसी घी, बादाम, दूध ते दलिया आटा, खास खास चीज़ां जी इन्हां दी खुराक आ, ताइयों सेहत बनी हुई आ। हाँ जी जी किदां दा लग्या अज दा व्लॉग, लाइक कमेंट करके लाजमी दस्सिओ। चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सबसक्राइब कर लियो ताकि एक दिन थोड़े लिए व्लॉग्स लैके आउंदे रहांगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, दुआवां च याद रखियो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।